अब जैसे जैसे एशिया कप में सुपर फोर टीम के मुकाबले हो रहे हैं, मैचेस में भी इतना ज्यादा इंटेंस और सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। अगर नॉर्मली तौर पर देखा जाए तो एशिया कप हर 2 साल के बाद हो रहा होता है, लेकिन 2022 एशिया कप पूरे 4 साल के बाद हुआ है। लेकिन हैरानी यहाँ यह है कि 2018 एशिया कप की विनर प्राइज $60,000 थी, जबकि 2022 एशिया कप की विनर प्राइज इससे भी 3 गुना ज्यादा है। हालांकि लास्ट एशिया कप 50 ओवर्स का था, जबकि करंट एशिया कप 20 ओवर्स का है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इस एशिया कप की विनर प्राइज प्रीवियस एशिया कप से भी 3 गुना ज्यादा रखी गई है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अजीज रहमान। लास्ट एशिया कप 2018 में हुआ था, जिसकी विनर टीम इंडिया थी और विनर टीम को $60,000 मिले थे, जबकि रनर अप टीम जो कि बांग्लादेश थी उसे $30,000 मिले थे। बट 2020 में कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली ये एशिया कप ना हो सका और इसे 2022 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अब 2022 में इस एशिया कप को श्रीलंका ने होस्ट करना था, लेकिन श्रीलंका की फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए एशिया कप को यूएई में शिफ्ट किया गया। हालांकि अभी भी इस एशिया कप को श्रीलंका ही होस्ट कर रही है, लेकिन यहां पर जो सबसे मुनफरिद बात यह है कि 2018 में एशिया कप 50 ओवर का था और ये एशिया कप 20 ओवर का है, लेकिन इसके बावजूद इसकी विनर प्राइज लास्ट एशिया कप से 3 गुना ज्यादा है। अब 2022 एशिया कप की विनर प्राइज $2,00,000 है और वो टीम जो रनर अप होगी उसे $1,00,000 मिलेगा। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि अब एशिया कप का फॉर्मेट 20 ओवर्स का रखा गया है, लेकिन इसकी विनर प्राइस एज कंपेयर टू लास्ट एशिया कप 3 गुना ज्यादा की गई है। अब जब भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो वो तमाम पैसा अपनी ऑडियंस से अर्न करता है और इस अर्निंग के लिए ब्रॉडकास्ट राइट, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप और टूर्नामेंट की टिकट्स को सेल किया जाता है। ये वो तरीके होते हैं जिसकी वजह से किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट से अर्निंग की जाती है। अब जोन सा इवेंट जितना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करता है, ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करके रखता है, उन्हें एंटरटेनमेंट करता है, वो इवेंट उतना ही ज्यादा पैसे कमा रहा होता है। अब आप ये खुद सोचें कि आप T20 मैच पर ज्यादा एंटरटेन होते हैं या 50 ओवर्स के मैच पर? ऑफ कोर्स T20 मैच में, वो इसलिए क्योंकि इसमें टाइम कम होता है और हर बॉल के साथ गेम चेंज हो रही होती है, सस्पेंस क्रिएट हो रहा होता है, जिसकी वजह से आप ऑडियंस का ज्यादा से ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर लेते हो। आपकी अटेंशन को ब्रॉडकास्टर मार्केटिंग के जरिए सेल कर रहे होते हैं। आपने मैच के दौरान हर ओवर के बाद देखा होगा कि एक 10 से 15 सेकंड की एड्स आ रही होती है और मार्केटर की यही कोशिश होती है कि इस 10 से 15 सेकंड में आपको ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखाए जाए, क्योंकि इस दौरान ऑडियंस का अटेंशन बहुत ज्यादा होता है और बड़ी बड़ी कंपनीज इन 3 से 4 सेकंड के एड्स के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए दे रही होती है। अब आपको इन स्पोर्ट्स इवेंट्स के बिजनेस मॉडल्स का अंदाजा हो गया होगा। क्योंकि T20 मैचेस में ऑडियंस का अटेंशन रेट ज्यादा होता है, इसलिए इवेंट्स भी ज्यादा ज्यादा कमाई कर रहे होते हैं और यही वजह है कि इस एशिया कप की विनर प्राइस एज कंपेयर टू प्रीवियस एशिया कप से ज्यादा है। क्योंकि ऐसे मुकाबलों में स्पोर्ट्स इवेंट ज्यादा कमा रहे होते हैं, इसलिए वो अपने विनर को भी प्राइज मनी ज्यादा पे करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अब आपने मुझे ये बताना है कि आप एशिया कप में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की एक और बिजनेस रिलेटेड वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।